वेलकम टू इंडिया एजुकेशन हब। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएचयू बीएससी नर्सिंग के बारे में। सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे इसका फॉर्म कब आएगा, तो इस वीडियो में आपको बीएचयू नर्सिंग की पूरी जानकारी मिलेगी, फॉर्म कब आएगा और इसका क्या लास्ट डेट रहेगा फॉर्म आने का, अभी तक फॉर्म आया है या नहीं आया उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूँ बीएचयू नर्सिंग का अभी तक फॉर्म नहीं आया। अभी बीएचयू एंट्रेंस जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उसके साथ में बीएचयू नर्सिंग का फॉर्म नहीं आया, क्योंकि बीएचयू नर्सिंग का फॉर्म आईएमएस कराता है, आईएमएस बीएचयू फॉर्म भराता है, उसके अलग फॉर्म भरे जाते हैं, इसीलिए अभी बीएचयू नर्सिंग फॉर्म नहीं आया साथ में। तो ये बात पहला क्लियर हो गया आपका कि बीएचयू नर्सिंग का फॉर्म नहीं आया। तो जो लोग कन्फ्यूज थे, तो मैं इस पर बहुत दिन से सोच रहा था वीडियो बनाऊँ आपके लिए कि कब आएगा, लेकिन मैं थोड़ा बिजी चल रहा था, उन कोर्सों की अपडेट देनी थी क्योंकि इसमें अभी समय है फॉर्म आने में इसका। तो ये देख लीजिए आप, बीएससी नर्सिंग और बीएचयू भी फार्मा भी कराता है आयुर्वेदा में, इधर देख सकते हैं बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी और बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, ये कोर्स है जो बीएचयू आईएमएस कराता है, इनका एंट्रेंस वो खुद लेता है। तो बीएचयू आईएमएस इसके फॉर्म निकालेगा, ना कि बीएचयू यूटी पीटी के अंदर ये फॉर्म नहीं आते, ये सब यूटी कोर्स है यानी ग्रेजुएशन के कोर्स है, तो यूटी के अंतर्गत नहीं आए। इसका अलग से जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है बीएचयू बनारस विश्वविद्यालय, वो फॉर्म निकालता है आईएमएस बीएचयू। सबसे पहली बात आपकी कंफर्म होगी कि आईएमएस बीएचयू इसके फॉर्म निकालेगा, अभी तक नहीं आया। इसके फॉर्म आते हैं अप्रैल में, अप्रैल के सेकंड वीक में, ठीक है। ये देखिए, ये मैं 2019 के ऊपर जो लास्ट ईयर का उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, अभी नया अपडेट नहीं आया कुछ भी, तो पुराने वाले के जानकारी के हिसाब से मैं आपके लिए बता रहा हूँ। तो इस बार भी उसी पैटर्न पर सेम फॉर्म भरे जाएंगे। देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स जो मैं आपके लिए बता दूँ, इसका एंट्रेंस टेस्ट 9 जून को हुआ था लास्ट ईयर, ठीक है। तो इस साल भी आपका जून में होने की संभावना रहेगी एंट्रेंस, लेकिन उससे पहले आपका फॉर्म जो भरा जाएगा वो आप देख लीजिए, 12 अप्रैल के भरा गया था लास्ट ईयर, इस साल भी अप्रैल के सेकेंड वीक में इसके फॉर्म आने की संभावना है। तो अगर उससे पहले फॉर्म आते हैं तो हम आपको तुरंत अपडेट कर देंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बीएचयू नर्सिंग की जैसे भी कोई अपडेट आएगी हम दे देंगे। वैसे इसके मोस्टली प्रॉब्ली फॉर्म आने के चांस है कि आपके अप्रैल के सेकेंड वीक में ही आए, और इसका जो एंट्रेंस रहेगा वो आपका जून में रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो काफ़ी समय से क्यूरी थी फॉर्म का डेट की आंसर की आएगी, तो सब ये 2019 वाली है लास्ट, ठीक है। और काउंसलिंग क्या रहेगी, और काउंसलिंग आपके देखिए 30 जून को हुई थी लास्ट, सॉरी 30 जुलाई को 30/7, तो उसी हिसाब से आपको काउंसलिंग के समय बुलाया जाएगा। इसकी फीस इंपॉर्टेंट है, ये इस साल भी हो सकता है सेम ही रहे, लेकिन इस बार जो नया अभी कुछ आएगा उसमें अपडेशन होता है, तो वो भी मैं आपके लिए बताऊंगा। अभी मैं 2019 के आधार पर आपके लिए जानकारी दे रहा हूँ, जो लास्ट ईयर जो इसका एग्जाम पैटर्न था उसके आधार पर ये आप देख लीजिए, इसका एंट्रेंस फीस था वो है 1000 ओबीसी और जनरल वालों के लिए, इसका एंट्रेंस फी 1000 और ओबीसी और जनरल वालों के लिए 750 रुपये है, एससी एसटी और फिजिकल चैलेंज वालों को, पीसी फिजिकल चैलेंज। इसमें देख लीजिए पेड ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन आपको फीस दे रहे, और नीचे जो इंस्ट्रक्शन दिए उन्हें पढ़ लीजिए, जो आपके लिए जब आपके काउंसलिंग के समय आपको डॉक्यूमेंट्स जरूरत पड़ेगी, तो ये देख लीजिए, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन ओरिजिनल होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए आपके लिए जब एडमिशन के समय, मैं अभी बता दे रहा हूँ आपके लिए, डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका हाई स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके प्रूफ के लिए, और हाई स्कूल मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, और 10+12 का भी है जो भी, वो भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए आपकी। और अगर आप ओबीसी में आते हैं तो आपका नॉन क्रिमिनल का है, तो नॉन क्रिमिनल का ही होना चाहिए, इनकम प्रूफ लास्ट 3 ईयर, और एससी एसटी का, तो आपको एससी एसटी का भी आपको देना पड़ेगा। वैसे इसमें लिखा नहीं है, लेकिन ओबीसी वाला तो हमारा है, नॉन क्रिमिनल, तो इनका प्रूफ आपका लास्ट 3 ईयर का होना चाहिए। ये आपके लिए डॉक्यूमेंट जब आप काउंसलिंग कराने समय आएंगे उसमें आपके लिए जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसमें अभी मैंने बता दिया, आप देखते हैं। और आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट डिटेल है, ये जो 3 कोर्सेज आप देख सकते हैं, बीएचयू नर्सिंग है, बीएचयू बी फार्मा भी कराता है, ध्यान रखिए, आयुर्वेदा और बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल है थेरेपी है जिसे बीओटी कहते हैं, और बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी है। तो ये आपके 1, 2, 3, 4 कोर्स होंगे, चार कोर्स हैं, इन 4 कोर्सों का जो एंट्रेंस होगा वो आपका एक साथ में होगा, लेकिन पेपर हो सकता है अलग अलग हो, क्योंकि अलग अलग है तो पेपर भी अलग अलग होगा, एक साथ तो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेंगे आपके, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, मैं आपके लिए बता दूँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इसमें, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी आपके लिए। कौन कौन एलिजिबल है, कौन फॉर्म भर सकता है, एज आपकी 27 से 25 के बीच होना चाहिए, जो 31 दिसंबर 2019 को और इस बार 31 दिसंबर 2020 तक ली जाएगी, जो आपकी 27 से 25 के बीच में होनी चाहिए, और 10+2 आपको पास होना चाहिए, वहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करूँगा मैं, उसमें बताऊँगा, वो भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोस होना चाहिए। ये देख लीजिए आगे क्या कह रहा है,
फिजिकल चैलेंज वाले हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते बीएससी नर्सिंग के लिए। यहाँ देख सकते डायरेक्ट कह रहा है फिजिकल चैलेंज कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल फॉर बीएससी नर्सिंग। और उन दोनों कोर्स में कर सकते हैं, लेकिन जो है ना फिजिकल चैलेंज वाले वो अपने पैरों पे प्रैक्टिस के दौरान जो रहेगी उस पे खड़े होना चाहिए। ये कह रहा है स्टैंडिंग बैलेंस हर एंड एक्सट्रीमली फंक्शन शुड बी एबल परफॉर्म रिक्वायर्ड। तो यहाँ देख सकते हैं पीसी वालों के लिए उसमें बीएससी नर्सिंग में कोई भी फिजिकल चैलेंज व्यक्ति फॉर्म नहीं भर सकता, डायरेक्ट कह रहा है। क्वालिफिकेशन यहाँ देख लीजिए, मतलब कौन भर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, तो 10+2 होना चाहिए, वो भी साइंस सब्जेक्ट के साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यानी कि जो और साथ में आपकी इंग्लिश होनी चाहिए, यानी कि PCBE के साथ में आपको पास होना चाहिए, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और आपको इंग्लिश होना चाहिए आपका 10+2 में, और उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। यानी 10+2 में आपके 50% मार्क हैं, आप बायो से हैं और इंग्लिश से हैं, तो आप बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भर सकते हैं, तो ये आपके लिए एलिजिबिलिटी है। ऊपर जितने भी कोर्स हैं सबके लिए एक ही एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है, तो जो इसमें आते हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। 27 से 25 एज होनी चाहिए और आपके पास ए सब्जेक्ट, तो आप इनमें चार जो कोर्स हैं उनमें कोई भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म bhu.ac और .ams पे आपको उपलब्ध रहेंगे, या bhu.ac.in पे उस पर आप भर सकते हैं। जैसे bhu का फॉर्म भरा जाता है वैसे इसका भी फॉर्म भरा जाएगा। और आपके लिए कोई अगर डिटेल, इसका जो सिलेबस है वो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबी हो सकती है इसलिए। तो ये आपके लिए जो इम्पोर्टेंट था कि सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे थे फॉर्म कब आएगा, तो अप्रैल के सेकेंड वीक का आपका फॉर्म आने के चांसेस हैं, तो आप धैर्य रखिए और आप तैयारी करते रहिए जिस हिसाब से सिलेबस पहले वीडियो में से डिस्कस किया गया है, जो मैम की आपने देखी हुई, लेकिन मैं अगली वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम अगली बार डिस्कस करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं जो लास्ट ईयर की डेट है, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, लास्ट ईयर में जो आपको 11/5 तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी, तो इस साल भी हो सकता है उसी तरह का मई तक आपका फॉर्म भरा जाए। और एडमिट कार्ड आया कि आपके आए थे 30, यानी देखिए 11 तक तो फॉर्म भरा गया था लेकिन एडमिट कार्ड 30 तारीख को दे दिया था, बहुत जल्दी। चलिए तो इसके अगले वीडियो हम इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस देखेंगे, अच्छे से देखेंगे कि कैसा आपका एग्जाम पैटर्न रहता है और सिलेबस कितना रहता है, कितने नंबर का पेपर आता है क्वेश्चन पेपर, और कितना समय मिलता है, उन सब के बारे में नेगेटिव मार्किंग बारे में बता चुका हूँ, नहीं रहती उसमें एक बार फिर बताऊंगा आपके लिए। तो BHU नर्सिंग और BHU बी फार्मा के बारे में पूरी डिटेल हमने दी है आपके लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपको लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन हमारे चैनल पर पढ़ाए जा रहे हैं, तो आप BHU नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें बायो के क्वेश्चन भी आएंगे, तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं और उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बायोलॉजी क्वेश्चन आते हैं सर पढ़ा रहे हैं अच्छे से, तो आप बायोलॉजी तब तक आप तैयार करिए अच्छे से, और बाकी आप अपना पढ़ते रहिए, क्योंकि BHU नर्सिंग जब फॉर्म आएगा उसके बाद बहुत ज़्यादा समय नहीं देगा आपका। अप्रैल में फॉर्म भराएगा सेकेंड वीक से और मई में आपका एग्जाम लेने लगा, तो आप देख सकते हैं अभी लास्ट ईयर 2019 का मैंने आपको डेट दिखाई थी, बहुत जल्दी फॉर्म भराया, एग्जाम ले लिया, बहुत जल्दी काउंसलिंग के लिए बुला लिया, तो समय आपका बहुत नहीं मिलेगा, तो आप अभी से तैयारी करना इसकी स्टार्ट कर दें। चलिए अगली वीडियो में बात करते हैं।